हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम है संजीव जोत्रा और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जैसे ही हमने पिछले लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या स्टडी किया था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने एनोड रेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बात की थी। अब 1898 में थॉमसन ने सोचा कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, चलो पहले लिख लेते हैं, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्योंकि अभी क्या हो चुका था, प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, यहां तक हो चुकी थी और थॉमसन ने सोचा कि अब जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे वो किस तरह से अरेंज होंगे, किस तरीके से पड़े होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि एटम क्या है, एक स्फीयर की तरह है, जिसका रेडियस 10^-10 मीटर के करीब है। ठीक है, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरह से स्प्रेड है, पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से स्प्रेड फैला हुआ है, और उसमें नेगेटिव चार्ज इस तरीके से पड़ा हुआ है। ये सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बिखरे पड़े हैं। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये सारा जो व्हाइट नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पूरी तरह से एटम में फैला हुआ है, स्प्रेड किया गया है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं इस तरीके से। और कैसे पड़े हुए हैं, जैसे जैसे हम कहते हैं खीर खाते हैं ना, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, खीर खाते हैं, उसमें हम रेजिन्स वगैरह डाल देते हैं, किशमिश वगैरह डाल देते हैं, या हम वाटरमेलन खाते हैं, वाटरमेलन क्या है, जो हमारा रेड रेड पोर्शन सारा होता है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज, और जो उस पर सीड्स पड़े हुए हैं, जो ये सारा क्या है, रेड रेड पोर्शन जो होगा, ये सारा क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज, जो उस पर लगे होंगे, हम कह सकते हैं सीड्स लगे होंगे, ये सीड्स लगे होंगे वो क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज। तभी इसको नाम देते हैं वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, वाटरमेलन, या हम क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, ये सारा वाइट वाइट क्या, खीर वाली नजर आएगी, उसके ऊपर क्या पड़े हुए, कुछ भी डालो ना, ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, रेजिन्स वगैरह डाल लेते हैं, है ना, किशमिश वगैरह जो भी डाली होती है वो क्या, हमारा ये वाली किशमिश वगैरह जो डाली हुई हमारी, वो क्या, हमारा सारा नेगेटिव चार्ज, और ये सारा का सारा वाइट पोर्शन है खीर का, ठीक है, और ये सारा का सारा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज। हाँ, थॉमसन के मॉडल चाहे फेल हो गया, पर इसमें एक चीज़ बता दी कि जो हमारा एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। थॉमसन ने इसमें बता दिया कि वो जो हमारा इसमें हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पड़े हुए हैं, वो जिसके कारण हमारे का पूरे का पूरा जो एटम है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर ये फेल क्यों हुआ, ये फेल इसलिए हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था, आगे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात नहीं की थी। ठीक है, हाँ ये बता दिया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस तरीके से पूरे का पूरा जो हमारा स्फीयर है, मास है पूरा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज का भरा हुआ है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरीके से पड़े हुए हैं। ठीक है, पर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में बात नहीं की, जिसमें हमने आगे बात कर दी है, हमने बताना है कि उसमें पूरे का पूरा जो एटम है, पूरे का पूरा उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं भरा हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो सारा का सारा मोस्टली खाली है, हॉलो है, जिसमें से आगे हम एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें से रेज पास करा दी जाएंगी, जैसे हमने आगे पढ़ना है स्कैटरिंग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पर फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं थॉमसन मॉडल की। थॉमसन मॉडल में क्या बताया कि ये हमारा क्या है, वाइट पोर्शन जो सारा हमारा वो क्या, पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें क्या लगे हुए हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला पोर्शन क्या, पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से मॉडल लगता है जैसे
हम वाटरमेलन खाते हैं जो रेड पोर्शन होता है वो सारा क्या है, ये रेड पोर्शन सारा क्या है जो व्हाइट नजर आ रहा है, ये रेड पोर्शन क्या है सारा हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये उस पर सीड्स पड़े हुए हैं वो क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ठीक है। वैसे हमारा इसे नाम दे देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं, या रेजिन पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। फ्लॉप क्यों हुआ, क्योंकि सिर्फ इन्होंने बताया किसके बारे में, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी के बारे में बताया कि हमारा एटम पूरा न्यूट्रल है, पर ये किस तरीके से रेंज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट इसमें है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अरेंजमेंट पड़ी हुई है, पर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में जो रदरफोर्ड का था उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही था, अगले लेक्चर में रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेके दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।